श्री वाहिगुरु साहिब जियो सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानण होआ ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ सिंह बुके मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर तरोआ जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी मैं मूरख की केतक बात है कोट परादी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परिया गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारे बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सार गुरे बाणी कहे सेवक जन मन प्रताख गुरु निस्तार गुरे बाणी कहे सेवक जन मन प्रताख गुरु निस्तार परम सत्कार योग धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान अते सतगुरु धन धन साहब श्री गुरु नानक साहब महाराज जगत गुरु पातशाह सब दियां झोलियां भरन वाले पातशाह धन गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन प्रकाश पुरब बड़ी श्रद्धा प्यार चाह दे नाल आप सरबत संगतां मिल करके गुरु चरणा में जुड़ करके मना रहे हो 40 पॉकेट सीयर पार्क दिया समूह संगतां जिन्हां दे उपर धन गुरु नानक साहिब महाराज जी की ऐसी बख्शिश ऐसी रहमत ऐसी कृपा दृष्टि जो हर साल आप जी धन गुरु नानक साहिब महाराज जी दे प्यार विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरण परस के गुरु साहिब जी दियां बख्शां रहमतां दे पात्र बणदे हो
समुचियां संगतां पॉकट चाली दियां आप सारे वड्डे भागां वाले सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ए प्यार ए रसूख ए इतफाक दी दात मिल वर्तन मिल बैठन दी दात गुरु नानक साहिब महाराज आप चाली पॉकट दियां समुचियां संगतां दी झोली हमेशा पा के निवाजदे रहन। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे पावन प्रकाश पुरब नूं समर्पित साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हजूरी अंदर सजे हुए अज दे समागम विच पावन गुरबाणी सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम श्री सुखमनी साहिब जी दा पाठ आप संगतां ने मिल करके हाजरी भरी। उपरंत गुरु साहिब जी दे प्यार विच बच्चिया ने कीर्तन की हाजरी भरी, भैन जी उन्हां ने कीर्तन की हाजरी भरी है। गुरुद्वारा गुरु नानक सतसंग सभा ए ब्लॉक तो मेरे सत्कारयोग वीर हैड ग्रंथी भाई साहिब भाई बलबीर सिंह जी तिना दे जथे पासों आप जिया ने पावन गुरबाणी का शब्द कीर्तन श्रवण किया है। गुरु नानक साहिब महाराज जी की वडियाई धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी की उस्तत विच आप जिया ने पावन गुरबाणी के कीर्तन श्रवण किए। आओ समय विच रह के सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी की वडियाई धन गुरु नानक साहिब महाराज जी की उपमा सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी के गुण गाउंदिया होया साहिब जी के जीवन की विचार आप संगतां दे नाल सांझ करनी है। आप जी हर साल बड़ा प्यार देंदे हैं, तुहाडे प्यार का मैं हमेशा ऋणी हाँ, क्योंकि जो आप जी प्यार दे नाल इस अस्थान ते हाजरी भरन वास्ते बेनती भी करते हैं, इस प्यार दा इस इज्जत माण दा हो सकता इस जन्म विच मैं तुहाडा देन ना दे सकां, इन्ना तुसी सत्कार प्यार देंदे हो। मैनूं याद है जदों करोना तो पहला भी दो तीन बार हाजरी भरी है ते संगतां दी इच्छा सी भी कुछ विचार हिंदी विच भी होनी चाहिए है ताकि सारियां नूं समझ आ सके। मैनूं तुहाडे उस शब्द अज भी याद ने, कोशिश भी करांगे जिथे पंजाबी दे विच गुरु नानक साहिब महाराज जी दे जीवन की सांझ करनी है विचकार भी कोशिश करांगा कुछ पावन बोल गुरु नानक साहिब जी दे जीवन दे आप जिया नाल हिंदी नाल भी सांझ कीते जाण। मैं पहला भी बेनती करदा अज भी करदा, मेरी बोली पंजाबी है, मेरी जुबान पंजाबी है, और तुहानू पता है पंजाबी बंदा जदों अपनी जुबान तो हिंदी बोले वो पूरी स्पष्ट नहीं बोल सकता, क्लीयरली हिंदी बोल सकता, पर कोशिश जरूर करांगे ताकि आप जी नूं कुछ समझ आ जाए, गुरु नानक साहिब के जीवन विचों कुछ लैके जाइए। सारे ही आओ गुरु नानक साहिब जी के प्यार विच गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो, प्यार नाल बुलाओ आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जिस समय इस धरती ते महाराज का चरण पैना है, गुरु नानक साहिब पातशाह जी का चरण इस धरती ते पैण तो पहला इस देश के हालात कैसे हैं, जिस बारे इतिहासकारा ने लिखिया है जिस वेले अठवीं सदी का आरंभ होना है 712 का समय, सब तो पहला हमला इस देश के उपर मुहम्मद बिन कासम ने किया है। जिस वेले 712 के विच मुहम्मद बिन कासम इस हिंदुस्तान इस भारत के उपर हमला करता है,
बस उस समय तो इस देश दे दुखड़ियां दा समा, इस देश दे माड़े हालातों दा समा शुरू हो जाता है 8वीं सदी दे आरंभ तो। उस तो बाद पता नहीं किन्ने को हमले किए होंगे, जिन्हां हमलों दे विच इस देश दे वासियां नू जिथे मौत दे घाट उतारिया गया, धियां भैणां मावां दी बेपत्ती होई, खून डोले गए। और मैं ते पढ़ के हैरान हुंना है, जदों सैयद मुहम्मद लतीफ राइटर होया है, मुहम्मद लतीफ सैयद जड़ा है वो लिखदा है द हिस्टरी ऑफ पंजाब बुक दे विच कि मुहम्मद साहब का की हुक्म है। वो लिखदा है कि मुहम्मद साहब का हुक्म है कि तलवार स्वर्ग ते नरक की कुंजी है। भाव की है? स्वर्ग ते नरक की कुंजी है तलवार। ते सैयद मुहम्मद लतीफ लिखदा है, कहिंदा मुसलमान वास्ते ये हुक्म है जेड़ा जंग दे मैदान विच खुदा दे नाम ते अल्लाह दे नाम ते अपने खून दा एक बूंद एक कतरा एक ड्रॉप जंगे मैदान विच खुदा दे नाम ते डोलदा है, जां एक रात मैदाने जंग दे विच खुदा दे नाम ते कटदा है, उन्हों दो महीनिया दे रोजे दो महीनिया दी पढ़ी हुई नमाज उदे नालों वध के लाभ जिहड़ा प्राप्त होया। ये विचारधारा है उन्हें जिन्हां ने इस देश नूं लुटिया है, इस देश दे विच खून डोलिया है, ये उन्हां दी विचारधारा। फिर अगे लिखदे ने कहिंदे जिहड़ा मनुख जंगे मैदान दे विच मुसलमान लड़दिया होया शहीद हो जाए उदे वास्ते बहिश्त विच खूरां उदे स्वागत वास्ते तैयार बैठिया। जदों शहीद होकर बहिश्त विच जाएगा खूरां उदा स्वागत करनगियां, उदी आओ भगत करनगियां। बहिश्त विच जाके जिन्ना मर्जी शरीरक भोग भोगे उदे उपर कोई भी इल्जाम नहीं है। हैरानी हुंदी है जिस मत दे अंदर इस तरह की सिक्ख्या अपने अन्याइयां नूं दित्ती जाएगी, उस मत दे लोकां दी सोच कैसी बन जाए। उस मत दे लोकां दी सोच तो फिर यही होएगी इस्लाम दे नाम ते खुदा दे नाम ते जिन्ने भी काफर जिन्ने भी गैर मुस्लिम नूं तुसीं मार सकते हो रज के मारो, खुदा दे घर विच तुहाडे ते कोई इल्जाम नहीं। इस सैयद मुहम्मद लतीफ जी दे शब्द। समा अगे चलिया 1001 तो लैके 1024 तक महमूद गजनवी ने इस देश के उपर कई हमले किए। उन्हां हमलों दे विच इस देश का गुरमुखो उन्हें हाहाकार मचा के रख दिती, कतलो गारत की रज के। तो जदों हिस्टरी पढ़ते हैं सोमनाथ का पवित्र स्थान, उस मंदिर की लुट खसुट करने वाला भी महमूद गजनवी। और इस समय के दौरान चाहे कुतुबद्दीन ऐबक की गल कर लवा, चाहे खिलजी खानदान की गल कर लीए, किसी ने घट नहीं किया। रज के इस देश नूं लुटिया गया, खून वगाया गया, किन्ने नौजवान बच्चियां नूं बिना कारण बिना वजह तो मारिया गया। गुरमुखो जिस वेले मैं पढ़ रहा सी इलाउद्दीन खिलजी नूं, इलाउद्दीन खिलजी ने कंबे खाड़ी दे मूंह वाले पासे एक शहर वसदा है जिहदा नाम आया इतिहास विच कंबात। कंबात शहर के उपर इलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया, जित लिया उन्हूं। जिस वेले इन्हें कब्जा किया है कंबात के उपर, हुण कब्जा करन तो बाद इहदी नीति देखो, इस्लाम का प्रचार करन वास्ते इस्लाम नूं वधाउण वास्ते
दूजिया नूं खुश कर ली अपने वड्डियां नूं। इतिहास कहिंदा है 18 साल तो उपर, 18 साल तो उपर दे जिन्ने भी लड़के ने, जिन्ने भी नौजवान बच्चे ने 18 साल तो उपर, सारे नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। भाव कि मेरे राज दे विच गैर मुसलम नौजवान बच्चा कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए। ਇਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ 20,000 ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਉਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ 5ਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ 5ਵੇਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ। ਇਹ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਟਾ ਕੇ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋ ਗੱਲ ਕੀ। ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਪਏ। ਜੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਧੁੰਦ ਮਿੱਟ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਧੁੰਦ ਕਿਹੜੀ ਮਿਟ ਗਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1469 ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਨਕਿਆਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਨਕਿਆਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ।
ते सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी दे प्यार विच अराए भोए दी तलवंडी दा नवाब जिसका नाम इतिहास विच आया है दौलत खां, ओ दौलत खां जिहड़ा मेरे बाबे नानक दे चरणां दा मरीद बन गया, बाबे नानक दे चरणां दा सेवक बन गया, ते उहने अपनी तलवंडी मेरे बाबे नानक दे नाम ते करती, बाबे नानक दे नाम ते ननकाणा बन गया। ओ पवित्र अस्थान ननकाणा साहिब जिथे सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी का प्रकाश हुंदा है, पिता महता कल्याण दास जी, मां तृप्ता ते गुरु नानक साहिब महाराज तो वड्डे ने 5 साल गुरु साहिब दे भैण जिन्हां दा नाम है बेबे नानकी जी, बेबे नानकी जी। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी का प्रकाश होया। हुण इस तो अगलेरी जिहड़ी विचार है हिस्टरी दे नाल आप जी नाल सांझ कीती है, भावें कि पंजाबी विच हो सकदा किसी दी समझ विच पकड़ विच ना गल आई होवे, बाद विच कॉल करके तुसीं पता कर सकदे हो। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी दे प्यार विच जो अज आपां जुड़े हैं, मेरे बाबे नानक जी ने इस धरती पे आके जो हमारी जोली में दिया, जो हमें दिया, जिससे आज हम खुशकिस्मत हैं, गुरु नानक साहिब महाराज जी की ऐसी बख्शिश, ऐसी रहमत। बाबा नानक जी जैसे ही बड़े होते चले जा रहे हैं, ननकाणा साहिब की धरती पे जहाँ गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश हुआ तलवंडी में जो आज पाकिस्तान में है, वहां के जितने भी मनुष्य गुरु नानक साहिब जी के प्यार वाले हैं, सतगुरु गुरु नानक साहिब जी के पास जो भी आया झोली भर के गए, गुरु नानक साहिब जी से जो भी जिसने मांगा गुरु नानक साहिब जी ने उसकी झोली भर दी। गुरु नानक साहिब महाराज बड़े हो गए, गुरु नानक साहिब पातशाह जी अपने पिता मेहता कल्याण दास जी के साथ अपने कांबे भी हाथ बटवाते हैं। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी ने व्यापार भी किया। हो सकता है जिसको हम 20 रुपए का लंगर बोलते हैं, सच में जानो वो गुरु नानक साहिब महाराज जी ने व्यापार किया, लेकिन सच का होता, झूठ का नहीं। जब पाकिस्तान जाएंगे तो वहां गुरुद्वारा साहिब है जिसका नाम है सच्चा सौदा, वो सौदा जो सच के लिए मेरे बाबा नानक जी पिता मेहता कल्याण दास जी 20 रुपए दिए उस समय के, 20 रुपए दिए बेटा जाओ और अपनी हट्टी के लिए सामान लेके आओ, और जहां से सामान लाते थे गुरु नानक साहब, उस शहर का नाम है चूड़काना, और साथ में गुरु नानक साहब जी के भाई मर्दाना जी, भाई मर्दाना जी और गुरु नानक साहब दोनों चूड़काना गए, वहां से सामान लिया हट्टी के लिए। जब वापस आने लगे तो जैसे ही जंगल आया, चूड़काने का जंगल है, तो वहां पे भूखे साधु मिले, वो जो प्रभु के नाम से जुड़े हुए हैं, वो साधु मिले, हाथ जोड़ के कहते हैं बाबा कुछ खाने के लिए है तो कृपा कर दीजिए। गुरु नानक साहब जो कभी किसी को भूखा नहीं देख सकते, गुरु नानक साहब जो कभी किसी को भूखा देख ही नहीं सकते, मेरे बाबे नानक ने जो भी सामान लिया हट्टी के लिए, वही उसका लंगर बना के भूखे साधुओं को खिला दिया। वो 20 रुपए का लंगर आज बाबे नानक की कृपा है, पूरे वर्ल्ड में वो 20 रुपए का लंगर आज भी चल रहा है, आज तक उस लंगर में कभी कोई कमी आई ही नहीं। जो बाबा नानक किसी को भूखा नहीं देख सकता, बाबे नानक के प्यार वाले सिख गुरु नानक साहब को मानने वाले, वो भी कभी किसी को भूखा नहीं देख सकते।
आपने देखा होगा, आपने कई बार नोट भी किया होगा। पहली तो बात, कोई सिख आपको मांगने वाला मिलेगा नहीं। पहली सिख कोई मांगने वाला मिलेगा नहीं। अगर कहीं कोई मिल भी गया तो गुरु नानक साहब जी के प्यार वाला उसको बुला के उसकी प्रॉब्लम, उसकी जो मजबूरी है जिसके लिए वो कर रहा है, उसका कोई सलूशन निकाल दे, उसको काम पे लगा दे। लेकिन सिख मांगेगा क्यों? क्योंकि जी मेरे बाबे नानक की कृपा है। बाबे नानक ने जी हमारी झोली में ऐसी बख्शिश दी है कि बाबे नानक का प्यारा हो वो मांगे, ऐसी नहीं हो सकती। बाबे नानक का प्यारा, बाबे नानक को प्यार करने वाला कोई भी हो, मैं नहीं कहता जे दस्तार वाले बाबे नानक के, सारी बाबे नानक की, बाबा नानक सबका है, बाबा नानक किसी एक का नहीं है। वो भी आपसे सांझ करते हैं आगे जाते हैं कि बाबा नानक कैसे सबका है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने ऐसी बख्शिश की, हमारी झोली में ऐसी रहमत, ऐसी बख्शिश डाल दी, गुरु नानक को प्यार करने वाला कभी मांगेगा नहीं, इन हाथों से वो काम करेगा, मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, काम करके अपने लिए कमाएगा, आप भी खाएगा, जो कमा के लाएगा उसमें से जिनको जरूरत होगी उनको भी खिलाएगा। ये मेरे बाबे नानक के घर का उपदेश है। बाबे नानक का घर का उपदेश, किरत करनी, नाम जपना, वर्ण शकनी, ये तीन सिद्धांत है मेरे बाबे नानक के घर के। काम करना जरूरी है। देखो आप सब पढ़े लिखे विद्वान, बहुत नॉलेज है आपको दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, और आपको ये भी ध्यान में होगा कि देश वो ही तरक्की करेगा जहां वहां के रहने वाले लोग काम करेंगे, और जहां के लोग आलसी होंगे, मांगने वाले होंगे, काम ना करने वाले होंगे, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो मेरे बाबे नानक का विचार कैसा है कि मेरे प्यार वाले हों, सब काम करने वाले हों, काम भी करें, जो काम किया है, जो कमाया है उसमें दूसरों को बांट के खाए, और जो बांट के खाने वाले उसके बाद प्रभु का शुक्राना भी करें, वाहेगुरु का थैंक्स भी करें, गॉड का थैंक्स भी करें। ये मेरे बाबे नानक का सिद्धांत है। ऐसे है मेरे बाबा नानक जी। बाबा नानक जी बड़े हो गए, वो जो 20 रुपए का लंगर मेरे बाबा नानक जी ने चूड़काने के जंगल में भूखे साधुओं को खिलाया, बाबे नानक की कृपा आज वो लंगर पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, और गुरु नानक साहब जी की कृपा है कि दुनिया हो सकता खत्म हो जाए लेकिन बाबे नानक का लंगर जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। आप बाबे नानक के प्यार वाले हैं, मैं तो आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, जहां भी कहीं आपको कोई भूखा मिले, आपको ये पता चल जाए किसको जरूरत है, इसको खाना देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बिना सोचे समझे उसको जरूर खिलाएं, क्योंकि किसी के पेट की भूख को दूर कर देना बहुत बड़ी सेवा, बहुत बड़ी सेवा। और ये मत सोचे कि जिसको हमने खिलाया है, जिसको हमने भोजन दिया है, हम उसको भोजन तभी देंगे, हम उसको तभी खिलाएंगे जब वो हमारे घर में आएगा, ऐसा मत सोचे, ऐसा नहीं, क्योंकि गुरु नानक साहब जी का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि खिलाने के बाद, भोजन देने के बाद उनको बोले नहीं जी आप तो बाबे नानक के सिख बन गए। वो उसकी मर्जी, वो उसकी अपनी सोच है, अपनी उसकी जो भी उसका, जहां उसका मन है। मेरे बाबे नानक का घर पता कैसा है, बाबे नानक की जो विचारधारा है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं सच्चे दिल से मानिए, ये बाबे नानक की विचारधारा, जिस भी धर्म को मानते हैं किसी भी को, लेकिन सच्चे दिल से मानिए,
दिल से उसका सत्कार करें, ऊपर ऊपर दिखावे से दिल से। जी मेरे बाबे नानक ने जो प्रचार किया है, जो उदासियां की है पूरे देश की, मेरे बाबे नानक ने सबको यही समझाया। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज बड़े हो गए, अब तलवंडी से बाबा नानक जी सुल्तानपुर चले गए। सुल्तानपुर गुरु नानक साहब महाराज जी की बड़ी बहन बेबे नानकी उसका ससुराल है, और बाबा नानक जी के भैया जी बेबे नानकी जी के हस्बैंड जयराम जी जो कि वहां के नवाब दौलत खां उनके पास जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लाई है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी को अपने पास ले गए कि चलो मैं सिफारिश करता हूं, मैं अपनी तरफ से अप्रोच करके गुरु नानक साहब जी को कोई काम दिलवा देता। सुल्तानपुर ले गए, बाबा नानक जी चले गए। अब वहां के जो नवाब है दौलत खां जी, उन्होंने बाबा नानक जी को जॉब दी है, वो जॉब कौन सी है, मोदी खाली, जिसको मैं अब कहूं तो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट उसका इंचार्ज लगा दिया। ये जो फूड सप्लाई महकमा है डिपार्टमेंट है, इसको संभालना, प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना, हिसाब किताब को प्रॉपर बना के रखना, ये छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा करप्शन है। क्योंकि जो सामान आना है जाना है, रस्त आनी है जानी है, अनाज आएगा जाएगा, उसमें बहुत कुछ होता है। बाबा नानक जी को जॉब मिल गई मोदी खाने की, बाबा नानक जी को इंचार्ज लगा दिया गया वहां पर। अब बाबा नानक जी आ गए हैं तो जो गलत लोग हैं, जो गलत लोग गलत करते थे वहां पे, देना कम लिखना ज्यादा हिसाब में, बोलना कुछ करना कुछ अपनी कमाई के लिए, लेकिन बाबा नानक जी ने ऐसा सब कुछ होने से रोक लिया। अब सब दुखी हो गए, क्या करें, क्योंकि अफसर के सामने तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। जो छोटा मुलाजिम है, अफसर तो अफसर है ना, ऑफिसर है, उसके बड़ा औहदा है उसका, क्या करें। लेकिन वहां के रहने वाले जो लोग हैं सुल्तानपुर के, वो बहुत खुश हो गए बाबा नानक जी आ गए, बहुत खुश हो गए, क्योंकि जहां उनको एक मिलता है खाने के लिए बाबा नानक जी कृपा, वहां दो मिल रहे हैं, जहां दो मांगते हैं बाबा नानक जी चार दे रहे हैं, कोई चार मांगने वाला बाबा नानक जी उसको आठ दे रहे हैं, कमाल की बात, बाबा नानक जी ऐसे। तो वहां पे क्या हुआ, भाई भगीरथ जी का नाम आता है एक हिस्ट्री में, वो मैलसिया गांव है वहां के नंबरदार, बाबा नानक जी के पास आए, बाबा जी मोदी जी मुझे अनाज चाहिए। बाबा जी ने उसका जीवन चेंज करना था और हम लोगों को समझाना था, तो बाबा नानक जी ने उसको बोला अपनी जो चादर है जो भी तू लेके आया बिछा और ले ले अनाज। बाबा नानक जी ने एक भरा डाल दिया उसकी झोली में, फिर भरा बाबा नानक जी ने फिर डाल दिया, फिर भरा फिर डाल दिया झोली में, और मुंह से बोल रहे हैं एक एक एक। वो भगीरथ जी कहने लगे बाबा मोदी अब एक नहीं अब तो सात हो गए, आप एक कह रहे हैं। बाबा नानक जी बोले अच्छा सात हो गए, चलो सात 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 बोलने लगे, और भरा ये डाल दिया, फिर भरा ये डाल दिया। वो भगीरथ जी बोले मोदी जी बाबा जी अब सात नहीं अब तो तेरह हो गए, थर्टीन तेरह हो गए। बाबा नानक जी बोले अच्छा भाई तेरह हो गए। वो कहने लगा बाबा जे जॉब तू छोड़ दे तेरे बस की बात है,
बाबा जी कहने लगे, भाई क्यों? बाबा मोदी जी, आपको तो काउंटिंग ही नहीं आती, आपको तो गिनना ही नहीं आता। अगर आप ऐसे ही मोदी खाना लुटाते रहेंगे तो आपको हिसाब देना बहुत मुश्किल हो जाए। बाबा नानक जी बोले, भाई भगीरथ चल एक काम कर, मुझे कुछ सिखा दे हिसाब। भगीरथ जी बोले, बाबा मैं हिसाब सिखाऊं? हाँ हिसाब सिखा दे, बस दो तीन शब्द सिखा दे बस, ज्यादा। बाबा दो तीन शब्द क्यों? गुरु नानक साहब महाराज ने बोला कि नदर में ओनली तीन शब्द है। नदर, नदर प्रभु की बख्शिश, अकाल पुरख वाहिगुरु की रहमत कृपा। कह रहे दो तीन शब्द सिखा दे। भगीरथ जी बोले, बाबा मैं कुछ समझा नहीं। गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं, भाई पहला शब्द अकाल पुरख वाहिगुरु निरंकार गॉड ओनली वन, दूसरा है ही, दूजा है ओनली वन। जिसको ये समझ आ जाए कि निरंकार प्रभु एक है, वाहिगुरु अकाल पुरख गॉड एक है, मैं मानता हूं वो धर्म के नाम पे कभी झगड़ा नहीं करेगा। जिसको ये समझ आ जाए कि वो एक ही है, बस हम वाहिगुरु कह रहे हैं, आप राम कह रहे हैं, वो अल्लाह कह रहे हैं, बस नाम ही अलग है तो वो एक ही है। बाबा नानक जी कहते पहला वाला एक है, दूजा है एक। कह लगे वो जो एक है ना, दूसरा वर्ड, दूसरा शब्द, वो सदीव रहने वाला, वो कभी मरेगा ही, कभी वो मरने और जन्म लेने में आएगा ही नहीं, वो कंटिन्यू सदा रहने, वो अकाल पुरख वाहिगुरु। और फिर बोले तीजा शब्द, कहने लगे जो एक है, जो कभी कहीं जाने वाला नहीं, मरने वाला नहीं, जो उसका हो जाए, जो उसका बन जाए, वो सदीव आनंद को प्राप्त हो जाए। उसका जीवन, उसकी जिंदगी आनंद से भरपूर हो जाएगी, खुशियों से भरपूर हो जाएगी, वो कभी दुखी नहीं होगा, वो कभी भी निराश नहीं होगा, जो एक के चरणों में जुड़ जाएगा। इसलिए मेरे बाबा नानक ने बोला कि तेरा तेरा तेरा, वो कह रहा 13 तेरा, बाबा नानक जी कह रहे तेरा तेरा, ये भी ले तेरा, ये भी ले तेरा, ये भी ले तेरा। बाबा नानक जी कहते सब कुछ ही तेरा, ले ले। उस भगीरथ भाई साहब का ऐसा जीवन चेंज हुआ कि वो प्रभु का ही होके रह गया, गुरु नानक साहब जी के चरणों में जुड़ गया, और तेरा तेरा की ऐसी रट, ऐसा मन में वो शब्द टिका, फिर वाहिगुरु को अकाल पुरख गुरु नानक को बोलने लगा, बाबा अब से मैं भी तेरा, अब मेरा जीवन भी तेरा, मेरी जिंदगी भी तेरी। उस भाई भगीरथ जी ने आगे गुरु नानक साहब जी के शब्दों का प्रचार भी किया। भाई भगीरथ जी ने लाहौर जाके भाई मानसुख जी को गुरु नानक का सिख बनाया, भाई मानसुख जी ने लाहौर से लंका जाके लंका का राजा शिवनाभ, उस शिवनाभ को गुरु नानक साहब जी के प्यार वाला बनाया। ऐसे हैं मेरे बाबा नानक जी। तो जहां बात आ गई हिंदू और मुसलमान की, बाबा नानक जी सुल्तानपुर वहां रह रहे हैं और जे मोदी का काम कर रहे हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज वेई नदी में स्नान करने के लिए गए, 3 दिन गुरु नानक साहब महाराज किसी को मिले नहीं। जब 3 दिन के बाद गुरु नानक साहब महाराज प्रकट हुए फिर तो सीधा शमशान भूमि चले गए। लोग हैरान कि ये क्या, पहली बात तो 3 दिन हो गए बाबा जी कहीं किसी को मिले नहीं, पता नहीं कहां थे, अगर आए हैं तो सीधा शमशान भूमि में। सब लोग इकट्ठे होके
गुरु नानक पातशाह जी के चरणों में चले गए, वहां जाके सारा पूछा कहां थे आप और जहां शमशान भूमि में क्यों आए। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने बोला, जिसको जिन लोगों को जे शमशान भूमि याद है वो कभी कोई गलत नहीं करेगा, जिनको मौत याद है वो कभी किसी का हक नहीं मारेगा, जिनको मौत चेते है वो कभी किसी को दुखी नहीं करेगा, कभी किसी का पैसा नहीं खींचेगा, कभी किसी का हक नहीं मारेगा, जो जिसका बनता सबको देगा। क्यों? क्योंकि उसको मौत याद है, शमशान भूमि याद है। और वहां से मेरे बाबे नानक ने बोला, ना को हिंदू ना मुसलमान, सब अकाल पुरख वाहिगुरु के प्रभु के बने। मेरे बाबे नानक ने इंसान बनाए है, धर्म के नाम पे ये फिरका प्रस्ती वाला काम नहीं। तो जो वहां काजी आए, नवाब जी आए, सुल्तानपुर के रहने वाले सब मुसलमान भी आए, हिंदू भी आए, तो बाबे नानक को बोलने लगी, ये कैसे हो जाएगा, ना को हिंदू ना मुसलमान। तो उन्होंने क्या बोला काजी जी ने, अगर आप कहते हैं कि हम सब के हैं, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, हमारे लिए सब एक समान, तो कहने लगे चलाओ हमारे साथ मस्जिद में, चलो आओ मस्जिद में हमारे साथ नमाज पढ़ो। तो मेरे बाबा नानक जी मुस्कुराते हुए हंसते हुए चले गए मस्जिद में। को दोपहर के बाद नमाज का टाइम हुआ, सब नमाज पढ़ रहे हैं और मेरे बाबा नानक जी उन सब की ओर देख के मुस्कुरा रहे, हंस रहे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी जी को बहुत गुस्सा आ गया। काजी जी बोले, बाबा नानक आप हमारे साथ नमाज पढ़ने के लिए आए और आप हंस रहे, जे आपने नमाज की बेदबी की है, तौहीन की है, जे बिल्कुल गलत किया। बाबा नानक जी हंस कर कहने लगे, आया तो मैं आपके साथ नमाज ही पढ़ने था, लेकिन करूं क्या, आप नमाज में थे ही नहीं। वो कहने लगा, ये क्या बोल रहे, मैं तो यही हूं सबके सामने हूं। बाबा जी कहते मत झूठ मत बोल, आप नमाज में थे ही नहीं, कहां थे आप। वो चुप हो गया, क्योंकि बाबा नानक जी दिल की जान थे। बाबा नानक जी धर्म के नाम पे कुछ गलत नहीं, बाबा नानक जी तो सच के साथ प्रभु के साथ जोड़ना चाहते हैं सबको, ता जो ये दुनिया भी एक स्वर्ग बन जाए, ये दुनिया भी एक हंसता खिलता हुआ सोना बगीचा सोना बाग, सच में जिसको हम जीते जी स्वर्ग दे सके, बाबा नानक जी ऐसा बनाना चाहते हैं। और महाराज ने बनाया, गुरु नानक साहब जी के प्यार वालों को बनाया भी है। महाराज आप क्या कह रहे हैं, मैं क्यों नहीं, मैं तो यही था। बाबा नानक जी बोले, सच बोलो। चुप हो गया, नहीं बोले। बाबा नानक जी बोले, मैं बताऊं कहां थे आप। बाबा जी बोलो। कहने लगे, काजी जी आप तो अपने ही घर में जो आपकी घोड़ी सुई हुई है उसका बच्चा छोटा सा, आप उसमें सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो वो घोड़ी का जो बच्चा है वो चलता चलता घर में जो कुआं है उसमें ना गिर जाए, अगर वो कुएं में गिर गया मर जाए उसका कौन ध्यान रखेगा, कैसे होगा। नमाज आप मुंह से पढ़ रहे हैं, जुबान से पढ़ रहे हैं, जो आपका ध्यान है जो आपकी सुरती है वो तो आपकी घर में घोड़ी के बच्चे में चली। शरीर से नहीं, जुबान से नहीं, बाबा नानक जी कहते मन से ध्यान से प्रभु को याद कर
जो ध्यान से मन से प्रभु को याद करते हैं उनका जीवन आनंदमय हो जाता है, खुशियों से भरपूर होता है उनका जीवन जो दिल से करते हैं। काजी जी बोल गए, काजी का चलो वो तो बोलटे, अब नवाब की बारी आ दौलत खान, बाबा चलो ये तो मैं समझ गया ठीक है, ये नमाज मुंह से पढ़ रहे थे, मैं तो था ना, समय का नवाब है, वहां का हाकम है, जिसका वहां पे राज है, चलता है, उसकी सब लोग मानते हैं। वो कहता है बाबा नानक आप मेरे साथ नमाज पढ़ते, आपने मेरे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी नवाब दौलत का। बाबा जी बोले नवाब जी झूठ मत बोलना, सच्चाई आप ही बता दो, क्योंकि आप भी नमाज में नहीं थे। नवाब दौलत खान, बाबा जी ये क्या? हाँ, जब उसको पता चला कि मेरे बाबा नानक जी तो दिल की जानने वाले हैं, वो भी चुप कर गए। तो बाबा नानक जी ने सबके सामने बोल दिया कि नवाब जी आप तो घोड़े खरीदने के लिए काबुल पहुंचे हुए थे, खड़े आप सुल्तानपुर मस्जिद में है नमाज पढ़ने के लिए, और जो आपका ध्यान है, जो आपकी सूरत है, वो काबुल में घोड़े खरीद रहे हैं, कौन सा घोड़ा अच्छा है, किसका क्या प्राइस होगा, कितने में लेना चाहिए, लूं या ना लूं, क्या लूं, कैसे लूं, सोच तो आप सारा वो रहे। नवाब भी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो धर्म के नाम पे बाबे नानक को बांटना चाहते हैं, लेकिन मेरा बाबा नानक ऐसा है जो धर्म के नाम पे बटने वाला नहीं, बाबा नानक तो सबके दिल में रहने वाले, बाबा नानक जी ऐसे। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि आप सब बाबे नानक के प्यार में आए हैं, चाहे आप किसको भी मानते हो, लेकिन बाबे नानक के चरणों में, बाबे नानक को प्यार करते हुए आप गुरु साहब के चरणों में आए हो, खुशी हो। और मैं गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक साहब के चरणों में अरदास करता हूँ, गुरु नानक साहब ये प्यार आपकी कलोनी में आने वाले सदियों तक बना, सदियों तक आपका ये प्यार है। जब आप लोग इकट्ठा होके बैठोगे, सब आज खुशी में बैठे हो, कल किसी को दुख आएगा, आप बाप के उसके दुख को भी अपने साथ बांट लो, ये सबसे बड़ी बात है और ये होनी चाहिए। मैं कहता हूं धर्म एक साइड कर दो प्लीज, धर्म के नाम पे किसी को ईर्ष्या मत करो, किसी से भिन्न भेद मत करो, इंसानियत को मुख रखो कि हम प्रभु के हैं, हम सब बंदे रब के हैं, सब बंदे गॉड के, अकाल पुरख वाहिगुरु के, अल्लाह के हैं। मेरा बाबा नानक जी एक कह के समाप्ति कर रहा हूं, बाबा नानक जी मक्के में चले गए, बाबा नानक जी मक्के में जाने का भी कोई रीजन है? वैसे बाबे नानक को जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बाबे नानक के लिए सब जगह प्रभु है, अकाल पुरख वाहिगुरु है, देखिए वहां जाने का रीजन है। वो लोग सोचते हैं उनकी जो थ्योरी है, जो उनका सिद्धांत है, कि जो अल्लाह है खुदा है वो सिर्फ काबे में, मक्का एक शहर है, काबा उनका पवित्र स्थान है जहां वो पूजा करते हैं। बाबा नानक जी वहां गए, जब बाबा नानक जी वहां गए, रात का समय है, सुबह हुई, बाबा नानक जी आराम से सो रहे, बाबा नानक जो पैर है, जो चरण है, वो मक्के की ओर हो रहे। सुबह जो सेवा करने वाला, वहां जो देख रेख करने वाला, उसका नाम हिस्ट्री में आता है जीवन। जीवन आया, देखा कोई एक यात्रु, कोई एक मुसाफिर जो अपने पैर मक्के की ओर, काबे की ओर करके सो रहा है, बहुत घोर पाप कर रहे, गुस्सा आ गया। बाबा नानक जी सो रहे, जीवन ने बाबे नानक को लात मार के उठाया, लात मार, और बाबा नानक जी चाहते को लात मारने का जवाब लात मार के भी दे सकते, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। बाबा नानक जी उसके लात मारने का जवाब अपनी मत से दे रहे। जीवन बोला बाबा
मुसाफिर आपको पता नहीं काबे की ओर प्यार कर दिए, खुदा के घर की ओर प्यार कर दिए। तो बाबा नानक जी बोले, भाई गलती हो गई है, मुझे पता नहीं चला, नींद आई थी थकावट जिसकी वजह से मैं सो गया रात को, पता नहीं चला मेरे पैर काबे की ओर हो गए। एक काम करो, जिस साइड खुदा का घर नहीं है मेरे पैर उस साइड कर दो। जब बाबा नानक जी ने बोला, बाबा नानक जी ने उसको समझाना है, समझाने की थ्योरी है बाबा नानक, तरीका है, मेथड है उनका। कह रहे हैं कि मेरे पैर उस साइड कर दो जहां खुदा का घर नहीं है, जिस साइड अल्लाह का खुदा का घर नहीं। उसने सोचा चलो ठीक है, बाबे नानक के चरणों से पैरों से पकड़ा, घुमा के दूसरी साइड कर दिया। जैसे ही बाबे नानक के चरणों को पकड़ा, बाबे नानक की कृपा उसके अंदर चली गई, मत बदल गई, सोच बदल गई। अब जब दूसरी तरफ पैर किए तो वहां क्या देखता है, फिर खुदा का घर है, कमाल हो गई। फिर बाबा जी के चरण पकड़े, दूसरी ओर घुमा दिया, वहां देखा वहां भी खुदा का घर, फिर और घुमाया वहां देखा वहां भी खुदा का घर। बाबा नानक जी बोले, भाई तुझे बोला है कि जहां खुदा का घर नहीं है वहां मेरे प्यार का, लेकिन तू तो वही कर रहा है जहां खुदा का घर है, उसको समझ आ गया। बाबा नानक के चरणों में डह गया, पता लग गया कि जे कोई आम इंसान नहीं है, एक प्रभु का रूप है, खुदा का कोई रूप है, जिसने उसके अंदर की जो ज्ञान का जो सोमा है उसको खोल दिया। समझ आ गई कि रब खुदा तो चारों तरफ है, कहीं भी देख लो, आपकी देखने वाली आंख होनी चाहिए, जहां भी देखोगे खुदा का घर है, वाहिगुरु का घर है, प्रभु का घर है, पर देखने वाली आपकी आंख होनी चाहिए। वह सब लोग इकट्ठे होकर फिर आ गए, बताओ कौन बड़ा है, हिंदू बड़ा है कि मुसलमान बड़ा है, आज भी तो यही प्रॉब्लम है और क्या है। यहां तो मेरा मन खुश होता है कि आप सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, बड़ी खुशी है। और मैं आपको बेनती फिर बार बार कर रहा हूं, आने वाले समय जब तक जिंदगी दी है प्रभु ने, कोशिश करना जी प्यार बना के रखना, धर्म के नाम पे दूरियां मत बना के, किसी को भी मानो मुबारक है, जिसको आप मानते हो दिल से मानो मुबारक है, खुशी है, लेकिन धर्म के नाम से एक दूजे को नफरत मत करना, दूरी मत बना, प्यार से बैठना। ये आपकी कॉलोनी नहीं है, ये आपका घर है, ये कॉलोनी नहीं है, आपका परिवार है। तो परिवार के अगर चार जी चार लोग, एक इधर बैठा हो, एक उधर बैठा हो, एक किधर बैठा हो, अच्छा नहीं लगता ना। हम चाहते हैं ना परिवार के चार लोग इकट्ठे बैठे, बात करें, खुशी अपनी साझ करें। तो ऐसी भी आपकी कॉलोनी भी आपका परिवार है, प्रभु की आगे अरदास है गुरु नानक के चरणों में कि आप परिवार की तरह एक साथ इकट्ठे रहें, ऐसे ही प्यार से बैठो। तो उन लोगों ने बोला, बाबा नानक जी बताओ कि हिंदू बड़ा है कि मुसलमान बड़ा है। मेरे बाबे नानक ने बोला, एक बात याद रखना, अगर अच्छा कर्म नहीं किया, तुम लोगों ने अच्छा कर्म नहीं किया, तो याद रखना दोनों ही बड़े नहीं। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो दोनों ही बड़े हैं, कोई छोटा नहीं। कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म हमारा ठीक होना चाहिए। ये बाबे नानक की कृपा है, जो बाबे नानक ने पता नहीं कहां कहां जाकर सबकी जोड़ी भरी है। तो गुरु नानक साहब महाराज आज हम सब लोगों की भी जोड़ी भर रहे हैं, गुरु नानक साहब जी की कृपा बनी रहे। जो आपकी प्यार वाली संगत है, जो मैडम रीटा है हमारे गुरुद्वारा साहब में डिस्पेंसरी में, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, मतलब मैं उनके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, उनके जब वो अपने घर आते हैं तो पीछे से संगत बोलती है कि इतने बच्चे अच्छे डॉक्टर हैं वो मैडम रीटा। तो जब भी मिलते हैं तो वो जो मैं पहले साखी आपके साथ साझ की थी, दो भाइयों वाली,
जो बाण खाने वाली मिल वर्तन वाली आज भी वो मेरे साथ कई बार डिस्कस करते हैं। गुरु नानक साहब जी का जीवन और गुरु नानक साहब जी की संगत और गुरु नानक साहब महाराज जी की सोच, जिसको नमस्कार, मैं तह दिल से थैंक्स करता हूँ आप सबका। हमारे बहुत ही प्यारे वाले आनंद जी जो बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत इज्जत मान देते हैं, मेरे बड़े भाई वरिंदर जी, बड़े भाई देवेंद्र जी, टीपी सिंह जी, इनकी पूरी कॉलोनी के सारे ही जितने मेरे प्यार वाले भाई हैं बहुत इज्जत मान सत्कार देते हैं। राजू बजाज जी, आजकल तो मेरे बहुत ही प्यार वाले जो सन स्वीट्स वाले राजू मदान जी, जितेंद्र मदान जी, वो भी इसी कॉलोनी के पारिवारिक मेंबर बन चुके हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। इस कॉलोनी के जो सारे ही इतने प्यार वाले हैं जी, प्यार जी, सबका प्यार आपस में बना रहे, गुरु नानक साहब जी की कृपा ऐसे आप सब के ऊपर बनी रहे, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो आप इतना प्यार देते हैं। गुरु नानक साहब जी ऐसी कृपा बनाई रखे। सो बोलते हुए मैंने पहले बोल दिया था, हिंदी मुझे आती नहीं, पंजाबी में जितना मर्जी बुला, बाबा जी की कृपा है, पर मुझे बताया गया है कि जहाँ हिंदी समझने वाले ज़्यादा है तो कोशिश करी है जितनी हिंदी बोल सके है। बहुत सारी मैंने गलती की होगी बोलने में, हिंदी के सेंटेंस को लेके, हिंदी के वर्ड्स को लेके, वाक्य को बनाने के लेके लेके, लेकिन सब गलतियों को मुझे माफ़ करना। गुरु नानक साहब जी की कृपा बनी रहे, आप संगत की कृपा बनी रहे, सारे प्यार देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।